हमारा शरीर हमें कुछ लक्षण देके ये बताता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो क्या है वो लक्षण, वो जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा नॉर्मल रखना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हुआ रहे तो उसके चेहरे और आंखों के आसपास ब्राउन ब्राउन छोटे रंग के दाने होने लग जाएंगे, बहुत सारे झुंड में दाने होने लग जाएंगे। इससे हमें ये समझ में आता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। इसके अलावा चेहरे पे ही पीले रंग के बहुत सारे स्किन टैग्स देखने को मिलेंगे, पीले दाग देखने को मिलेंगे। इससे भी हमें ये समझ जाना चाहिए कि शायद हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है, हमें अपनी जांच करा लेनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा सा काम करने पर ही बहुत ज़्यादा सांस फूलने लग जाए तो भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ हो सकता है, हमें लिपिड प्रोफाइल फटाफट करा लेना चाहिए। अंत में, थोड़ा सा काम करने पे ही अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग या बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाए तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है और आपका हार्ट खतरे में है। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपने हार्ट का या अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान नहीं रखता, उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल हो जाता है। इलाज के लिए आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, दिए हुए नंबर पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। आप आगे मुझसे किस विषय पर और सुनना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।